हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन प्रॉब्लम का सलूशन। तो वीडियो को पूरी देखिए। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि यहाँ पे इनवाइट का बटन ही नहीं है, हम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कैसे करेंगे। और दूसरी जो है वो सेटिंग्स में अगर हम मल्टीप्लेयर चेक करेंगे तो वो डिसेबल रहता है। अगर हमने वर्ल्ड स्टार्ट करते टाइम उसको अनेबल किया फिर भी डिसेबल रहेगा, ये देखिए। तो इसी का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले आपको गेम से बाहर निकलना है और डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, मैंने एक ऐप की लिंक दी होगी, उससे आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जो है टूल बॉक्स। आपको माइनक्राफ्ट डिलीट नहीं करनी, उसको फ़ोन में ही रखनी है और टूल बॉक्स को ओपन करना है। यहाँ से आपकी माइनक्राफ्ट लॉन्च हो जाएगी। आपको इसमें वापस से साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद आप मल्टीप्लेयर खेल सकेंगे। यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको साइन इन कर लेना है और आपके उसी वर्ल्ड में जाना है। वर्ल्ड में जाने के बाद पॉज करके आप चेक करेंगे तो आपका इनवाइट का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा यहाँ पे। और सेटिंग में चेक कर भी दिखाता हूँ, मल्टीप्लेयर भी एनेबल हो गया है। यहाँ पे आप ऐसे इनवाइट कर सकते हैं, ऐड फ्रेंड, या फिर यहाँ पे आपके फ्रेंड की लिस्ट दिखाई देगी। तो सेटिंग में जाने के बाद मल्टीप्लेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एनेबल हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं गेमिंग रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ।